अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए कैटो के बेबी कैसे सोए हुए हैं। आज जैसा कि सैटरडे है, बच्चों को छुट्टी है, तो वो मेरे बच्चे भी सोए हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनके सोए सोए मैं कपड़े ही धो लूँ। तो मैं कपड़े धो रही थी, मशीन लगाई थी मैंने। तो कैटो के बेबियों को यहाँ से मैं उठाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कपड़े धोऊँगी तो ये गीले हो जाएंगे। तो आज की सारी रूटीन मैं आपसे शेयर करूंगी। किटन्स को मैंने दूसरे रूम में रख दिया ताकि वो पानी से गीले ना हो जाएं। देखिए सोए हुए हैं तीनों। गाइस मैंने कपड़े धो के छत पे डाल दिए, तो धूप देखिए काफ़ी निकली हुई है, तो कपड़े सूख जाएंगे जल्दी। फिर गाइस ये देखिए हमारे सहन में, छत की सहन है, तो वहाँ पर एक मिनी गार्डन बना हुआ है। ये मेरी मदर इन लॉ ने ना सारा डेकोरेट किया हुआ है, उनको गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो उन्होंने ये मिनी गार्डन बनाया हुआ है। ये स्नेक प्लांट है और ये एलोवेरा, ये स्नेक प्लांट है और ये एलोवेरा का है प्लांट। और बाकी ये देखिए कितने प्यारे प्यारे इस पे भी फूल उगे हुए हैं, ये भी, और ये भी कितना प्यारा है। तो ये देखिए मैं कपड़े डालने छत पे आई थी, तो अब्दुलमान सो के उठा और मुझे ढूंढते ढूंढते ये भी छत पे आ गया है। दिमाग नाश्ता करोगे? इधर बताओ, अभी सो के उठे ना, तो अभी थोड़ी देर बाद ये नाश्ता करेगा। तो कपड़े वगैरह धो के मैं हो चुकी थी फारिक, बच्चे उठ गए थे तो उनको भूख लगी थी, तो मैंने कहा चलो आलू वाली रोटियां आज बनाती हूँ। तो मैं आलू वाली रोटियाँ बना रही हूँ, साथ में फिर बच्चे को देती हूँ। तो सारा काम शाम करके मैं हो चुकी थी फारिक, और बिल्ली को भूख लगी थी, बिल्ली को भूख लगी थी तो इसको मैंने दूध डाल दिया। ओ किटन किधर है अब्दुलरहमान? देखते हैं किधर है, किधर है, ढूंढते हैं हम किटन को। ओ किटन तो यहाँ छुपे हुए हैं, पता नहीं इनको यहाँ पे गर्माइश मिल रही है, पता चल गया इसलिए ये छुपे हैं। इनको गर्मी लग, इनको ठंड लगेगी इसीलिए आए होंगे। तो किटन को निकाले उससे खेलो। तो गाइस देखे मैंने खाना भी बना लिया, आलू मटर शोरबा। ये अब्दुलरहमान साहब आए हैं मेरे पास। हाँ जी, अच्छा जी, क्या फिर रोटी बना दूँ? हैं रोटी बना दूँ? रोटियाँ हाँ मैं पका देती हूँ। तो गाइस मैं इसको रोटी बना देती हूँ, इसको भूख लगी है। चलो ठीक है, छोटा सा परांठा बना देती हूँ। मुझे भी भूख लग गई थी, मैंने अपना परांठा भी बना लिया है और अपनी चाय भी रेडी कर रही हूँ, फिर खाना शाना खाते हैं। खाना खा के मैं हो चुकी थी फ्री, अब खाने के बर्तन है, तो मैंने कहा खाने के बर्तन धो लिए जाएं। अब खाने के बर्तन धोने लगी हूँ मैं। खाना शाना खा के और चाय पी के मैं हो चुकी थी फ्री, अब मैंने कहा ज़रा सफाई कर ली जाए। अब मैं रूम्स की सफाई कर रही हूँ, कल ना इधर कैटू की बेबी ने छी कर दिया था, तो मैंने कहा इसको रूम को ज़रा साफ़ किया जाए। तो अब रूम की कर रही हूँ मैं सफाई। तो देखिए मैंने अपना सारा रूम साफ़ कर लिया है, तो अब किटन भी उठ गए हैं, अब गन डालने के लिए ना फिर उठ गए हैं। अब किटन बड़े हो गए हैं, ये मेरे पास आ रहा है। ये देखे बिल्ली के बच्चे उड़ गए हैं और अब लड़ कैसे रहे हैं आपस में, देखे इनकी लड़ाई हो रही है कैसे। और मेरा अच्छा बच्चा अब्दुलरहमान वाला अच्छा बच्चा है। हाँ जी, वो नहीं, वो नहीं लगता। हाँ ये अब्दुलरहमान का बेबी है, वो ये नहीं लड़ा, ये दोनों लड़ रहे हैं। देखे कितना अच्छा मौसम है, बादल कैसे हुए हुए हैं, और बारिश के साथ में अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा।